सो हेलो गाइज, वेलकम टू अवर चैनल डमरू एंड तारा व्लॉग्स। आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने प्रेग्नेंट डॉग की कैसे केयर कर सकते हैं। तो चलो गाइज शुरू करते हैं। सो गाइज, सबसे पहले जो मेन चीज आपको ध्यान रखनी है बिफोर मेटिंग से पहले हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको करा लेनी है अपने डॉग की डिवॉर्मिंग। उसके बाद आप ऐड कर सकते हैं उसकी डाइट में मल्टी विटामिन, कैल्शियम, आयरन, विटामिन वगैरह के सप्लीमेंट्स जो कि उसे इंटरनली स्ट्रांग बनाएंगे। आपको जो सबसे मेन बात का ध्यान रखना है, सप्लीमेंट ऐड करने हैं पर उसकी डाइट ओवर नहीं करनी। आप उसे देंगे नॉर्मल डाइट जो आप उसे देते आ रहे हैं पहले से, क्योंकि अगर ओवरवेट होगी तो उसे बेबी कंसीव करने में दिक्कत हो सकती है इन फ्यूचर। सो गाइस, अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको आफ्टर क्रॉस किन किन चीजों का मेन ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको पहले के 10 दिन तो इसे नॉनवेज बिल्कुल ही बंद कर देना है। अगर आप नॉनवेज दोगे तो इससे बेबी अबॉर्ट भी हो सकता है, मर भी सकता है बच्चा पेट में। तो और आपको सप्लीमेंट्स तो कंटिन्यू चलाने ही चलाने पूरे। गाइस, आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप फर्स्ट 30 डेज में अपनी डॉग को खिलाएंगे वो सारा उसकी मदर को लगेगा। तो आपको इसकी डाइट प्रॉपर रखनी है। अब आती है मेन बात कि क्रॉस के बाद हमारी डॉग प्रेग्नेंट है या नहीं। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप वेट के पास जाके अपने डॉग का अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, या फिर आप देख सकते हैं कि जो आपकी डॉग की जो निपल्स होती है वो पहले तो व्हाइट रहेगी क्रॉस से पहले, और 30 डेज के बाद वो हो जाएगी पिंकिश कलर और थोड़ी साइज में भी इंक्रीज हो सकता है। मैं आपको तारा को दिखाता हूँ। देख सकते हैं कि जो हमारी फीमेल डॉग है उसके जो निपल्स है आप देख सकते हैं जैसे पिंकिश हो गए हैं। पहले ये रहेंगे पूरे वाइट, 40 डेज प्रेग्नेंट है पर आपको 30 डेज के बाद ही दिखना शुरू हो जाएंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि आफ्टर प्रेगनेंसी आपकी फीमेल डॉग में क्या क्या मूड स्विंग्स आ सकते हैं। सबसे पहले वो अकेले रहना पसंद करेगी, काफी टाइम वो खाना छोड़ भी सकती है, काफी टाइम ज्यादा खा भी सकती है। और जो मेन बात, आपको अगर आपके घर पे कोई मेल डॉग है तो आपको अपनी फीमेल डॉग को उससे दूर रखना है ताकि उसे डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि ऐसे टाइम पे डॉग ज्यादातर अकेले रहना पसंद करते हैं। सो गाइस, आफ्टर 30 to 35 days आप अपनी डॉग को दे सकते हैं नॉनवेज में चिकन, मटन और एक एग सुबह या शाम। उसके साथ ही आप ऐड कर सकते हैं उसकी डाइट में ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे कि पालक, चुकंदर, बीटरूट, कुकुम्बर, खीरा वगैरह एंड राइस। और आपको मेन बात का ध्यान रखना है कि आप जब भी अपने प्रेग्नेंट डॉग को वॉक कराएंगे तो आपको उसे हल्के हल्के वॉक करानी है, ज्यादा रनिंग वगैरह नहीं करानी है। साथ ही आप उसके साथ खेलना बंद कर देंगे। और जो आपको मेन बात का ध्यान रखना है कि आपको उसे सीढ़ियां नहीं चढ़ानी है, जिस वजह से उसके पेट में जो बेबी है वो या फिर रोटेट हो सकता है, कोई भी मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है। सो गाइस, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी आपका डॉग खाना बंद कर देगा। साथ ही जो डॉग का नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो होता है 102, और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी आपके डॉग का टेम्परेचर 100 degrees से भी नीचे गिर सकता है। तो आपको उसका प्रॉपर ध्यान रखना है। सो गाइस, आपकी डॉग की डिलीवरी से पहले आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको किसी भी रूम का एल शेप का कॉर्नर बना लेना है। उसके साथ उसके साइड में आप या तो प्लाईबोर्ड लगा सकते हैं या कोई भी फट्टा वगैरह लगा सकते हैं। और साथ में आपके पास होनी चाहिए कोई भी पुरानी बेडशीट या आप बोरी भी रख सकते हैं, और कोई भी कंबल वगैरह। उसके बाद आपके पास जो नेसेसरी आइटम्स है डिलीवरी के लिए वो होने चाहिए, एक सर्जिकल ब्लेड, सर्जिकल ग्लव्स, साथ ही एक कॉटन का रोल और डिटॉल। डिलीवरी के टाइम आप देख सकते हो कि कभी कभार जो बेबी होता है उसकी या फिर टेल बाहर आ सकती है या फिर हेड आ सकता है। तो आपको सबसे पहले जो ध्यान रखना है, आपको मदर का हल्का हल्का पेट प्रेस करना है और साथ ही उसे हेल्प करनी है बेबी को बाहर निकालने के लिए। बेबी के बाहर आते ही आप देखोगे कि बेबी एक झिल्ली या सैक से कवर है। सबसे पहले आपको सैक फाड़ देना है और उसके बाद उसकी नोज से पानी निकाल देना है, जिसके बाद आप बेबी की चेस्ट रब कर सकते हैं और मदर को लिक करने के लिए दे सकते हैं। और गाइस, जैसी बेबी बाहर आता है तो वो एक नाड़ होती है जो वायर टाइप होती है जो मदर से कनेक्ट होती है। आपको बेबी के स्टमक से 3 inches का गैप लेना है और नाड़ में आप या फिर धागा बांध सकते हैं, जिसके बाद आपको सर्जिकल ब्लेड से उसकी नाड़ कट कर देनी है। तो गाइस, ये थी वीडियो हाउ टू टेक केयर ऑफ योर फीमेल डॉग। इफ यू लाइक द वीडियो सो कमेंट, लाइक एंड शेयर।